अब दूसरा थायराइड का, थायराइड को नमक शक्कर नहीं खाना 40 दिन, वैसा खाना खाने वास नहीं, नहीं छोटा कर दो, काला नमक नहीं के बराबर इस्तेमाल करो हुआ। दूसरा चाय काफ़ी नहीं पीना, गोभी का फूल पत्ता नहीं खाना, और सुबह को मूली का जूस पीना एक आधा गिलास, फिर आधे घंटे के बाद अनार का जूस, फिर आधे घंटे के बाद पाइनएप्पल का जूस, फिर आधे घंटे के बाद कोत्तिमीर भी तुलसी का पत्ता जरा मिश्री दाल को जूस बना के पियो। ये चार जूस 40 दिन पीना है नहीं? अच्छा जी, चार जूस 40 दिन पी को, मात्रे भी खाना इंग्लिश, बाद जाको डॉक्टर को बता को 40 दिन में नॉर्मल हो करता है, डॉक्टर को पूछ को छोड़ा लो। हाँ, डॉक्टर पूरे खाओ को छोड़ो तो पूरे खाना है नहीं, इंशाल्लाह आपका थायराइड 40 दिन में ख़त्म होता है। एक हुआ, और दूसरा मोटापा के वास्ते रोज़ को 2 चमचे अरंडी का तेल पतले दूध में नहीं तो पानी में डाल को पी लेना, और सादा पानी पीना नहीं, पिपल का पत्ता और तुलसी का पत्ता सुखा को रख लेना, वोज पानी पका को वोज पानी में 2 चमचे अरंडी का तेल डालो, पी जाओ शाम को, शाम को 2 चमचे अरंडी का तेल, और 8 दिन में एक मरतबा आधा पीना 25 ग्राम वोज पत्तियाँ के पानी में, और सुबह को आधा 25 ग्राम, शाम को आधा सुबह को आधा, और नाश्ता नहीं करना उस दिन दोपहर तक 12 तक खाली दाल खाना खाना 12 के बाद, और 6 दिन भरो 7वें दिन निकालो, 6 दिन लोडिंग 7वें दिन अनलोडिंग कर लिया तो 3 महीने में दुबले पतले हो जाते। हाँ अच्छा, भूख लगी तो खाना खाना, भूख नहीं है खाना नहीं छीना, घर में पूरे खानी खान दे, तुम्हें खाना नहीं, कौन जुल्म करत खाना नहीं, आज के मारे खाना नहीं, भूख नहीं तो ऐसी पपई मऊज अनार अंगूर के आदि भी खा ले सो जाओ, भूख नहीं तो खाना खाओ को, अच्छा भूख लगी तो खाओ, चाहत रहना खाने की खाना, फिर भी भूख रहे तक ही हाथ धो लेना, अभी एक रोटी खाने की अरमान रहना हाथ धो लेना, ऐसा कर लिया तो 3 महीने में दुबले पतले हो जाते, नहीं डकाना मार मार को खाते रहते हो तुम्हें क्या करते दुबले नहीं होते इंशाल्लाह। हाँ इतना कर लियो, और दूसरा एक मिक्सचर है ये भी दुबले होने के वास्ते अच्छे, और कोलेस्ट्रॉल जाने के वास्ते, और एसिडिटी की बीमारी जाने, गैस्ट्रिक की जाने वास्ते ये बेहतरीन दवा है। ये 100 ग्राम ले लियो, धनिया अजवान ये 100 ग्राम ले लियो, मेथी 100 भैंस के अंदर 100 ग्राम ले लियो, इसमें लौंग इलायची चकला काली मिर्ची है 10-10 ग्राम ले लो, दाल को मिश्री दाल को पाउडर बनाओ, मिश्री दाल हाँ पाउडर बना को सुबह को 1 चमचा शाम को 1 चमचा, इंशाल्लाह गर्म पानी के साथ नहीं तो पतले दूध के साथ ले लो, ये हमेशा के वास्ते तुम्हारे पूरे घर को, ये लेते रहे तो कोसे बीमारी भी आते नहीं इंशाल्लाह। कलौंजी का मिक्सचर खाने वाले का बेहतरीन पिक्चर।